आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कीजिए। फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग, तो बेसिकली अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज लगाई हैं अब उसका उल्टा हो गया है, जो सॉल्व करके आता था अब आपको उसका रिवर्स करना है। कैसे करोगे जरा देख लीजिए। हाँ जी बेटा सारे पार्ट्स कराऊंगा। इधर देख लीजिए जरा, फर्स्ट पार्ट जरा देखिए, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको आइडेंटिटी देखो, स्टार्टिंग में क्यूब है, बीच में यहां पर स्क्वायर आ रहा है और यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसकी आइडेंटिटी लग रही होगी आपको? सर हमें तो किसी की आइडेंटिटी नहीं लग रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू एक्स, अरे क्या कर रहा हूं मैं, थ्री क्यूब वाली है ना, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्यूब कहां से आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। ये बेटा किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बेटा x प्लस y के होल क्यूब की। कैसे पता चला कि प्लस की है या माइनस की, क्योंकि यहां पर सारे के सारे बीच में जो साइन दिए हुए वो किसके हैं, प्लस के हैं। तो इसको बेटा ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे बेटा, ये देखो यहां पर होल क्यूब होना चाहिए, क्या मैं इसको होल क्यूब लिख सकता हूं, ऐसे 2a का होल क्यूब बिल्कुल लिख सकते हो, b की जगह पर बेटा, अच्छा x है यहां पर, अच्छा हाँ ठीक है, यहां पर बेटा y की जगह पर b है, कोई बात नहीं y का क्यूब है, यहां पर बेटा 12 दिया हुआ है, होना क्या चाहिए 3, और यहां पर बेटा क्या होना चाहिए x का स्क्वायर, और x की जगह पर यहां पर क्या दिया हुआ है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, और y की जगह पर क्या होना चाहिए b। अब जरा देखिए 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4, और 4 3 जा कितना होता है 12, तो चेक भी कर लेना कि मल्टीप्लाई करके आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए यहां पर दिया हुआ होता, यहां पर 10 दिया हुआ होता और अगर आप ऐसा कर भी लेते तो क्या ये वाला नंबर आता, नहीं आता, क्रॉस चेक जरूर करना। ठीक है, यहां पर जरा देखिए होना चाहिए था 3, दिया हुआ है 6, एक्स की जगह पर बेटा क्या आएगा जरा देख लीजिए 2a, और b की जगह पर क्या आएगा b का स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है बेटा 2a प्लस b के होल क्यूब की, और मैंने आपको बताया है एग्जांपल्स वगैरह में कभी भी स्क्वायर या क्यूब आएगा आप क्या करोगे उसको 2 या 3 टाइम्स लिखोगे जितनी बार लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब में लिखिए, ये हैं इसके फैक्टर्स, सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस, क्योंकि उन्होंने बोला फैक्टराइज दिस। ठीक है, सेकेंड पार्ट जरा देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट में जरा देखिए 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, मतलब सेम चीज दी हुई है, सेम आइडेंटिटी, बस क्या लगा दिया गया है, माइनस लगा दिया गया है। इस बार आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, माइनस वाली, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बी प्लस थ्री वाई, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर हो गई बात या नहीं, देख लो भाई साहब x की जगह पर बेटा आपको बिल्कुल एज इट इज ऊपर से देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हो 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2a का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा b, और यहां पर क्या आ जाएगा 3, x की जगह पर बेटा क्या आएगा 2a, और b की जगह पर b का स्क्वायर लिख दो, या फिर कहां भाई, भाई ये ऊपर से लिखा है ना क्वेश्चन, तो यही
आइडेंटिटी क्या बन जाएगी बेटा, 2a माइनस बी का होल क्यूब। और इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बेटा, इसको 3 टाइम्स लिखना होगा, क्या 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, अब देखते हैं बेटा रिमेनिंग 3 पार्ट्स। थर्ड पार्ट बेटा बताना जरा, आराम से बेटा आराम से, कितना 27 हाँ माइनस हाँ 125a क्यूब माइनस 125a का स्क्वायर। देखो बीच में माइनस आ रहा है और क्यूब क्यूब बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होनी है। ठीक है, डायरेक्टली लिखिए जरा, इसको क्या मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, यहां पर होल क्यूब होना चाहिए लेकिन सिर्फ किसका क्यूब दिया हुआ है, a का। बेटा 125 होता है 5 का क्यूब, क्या रहा भाई, हाँ जी आगे देखिए जरा, माइनस यहां पर होना चाहिए बेटा 3, एक्स की जगह पर बेटा क्या आएगा जरा देखिए, 3 का स्क्वायर, और y की जगह पर बेटा क्या आएगा यहां पर जरा देख लीजिए, 5a। समझ में आ रही बात, यानी ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, बीच वाली आइडेंटिटी है, इसको देख के करना है। फिर क्या आएगा, प्लस 3 और x की जगह से आप क्या ले लोगे बेटा 3, और y की जगह पर क्या है यहां पर 5a स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर लगा दोगे। समझ में आ रही बात यानी, आप क्रॉस चेक भी करोगे कि सॉल्व करके वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 3 जा बेटा कितना होता है 27, 27 5 जा बेटा 135 होता है। ठीक है, यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 3 जा 9, 25 9 जा कितना होता है बेटा 225। ठीक है, अब बेसिकली ये किसकी आइडेंटिटी बन गई है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो एक्स माइनस वाई का क्यूब, और इसको अब आप क्या कर सकते हैं 3 टाइम्स लिख दीजिए, हो गया ये, समझ में आ गई बात यानी। सेकंड पार्ट बेटा जरा बताना, ओ सॉरी फोर्थ पार्ट, 64 एक हाँ माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 27, अच्छा ओके 27 माइनस हाँ 144 ठीक है बेटा, ऑब्वियसली ऊपर वाली आइडेंटिटी ही यूज होगी, तो बार बार आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन है नहीं, इधर देख लो जरा, यहां पर बेटा यही आइडेंटिटी दोबारा से यूज हो रही है, तो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं। ठीक है, बट जब आपके एग्जाम में आएगा, यूटीज होंगे या टेस्ट होगा, उसमें आपको नीचे आइडेंटिटी लिखनी है, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स एक क्वेश्चन में नहीं होंगे वहां पर। ठीक है, इसको बेटा मैं क्या लिख दूंगा, 4 का होल क्यूब x क्यूब, फिर इसको बनाना है मैं y क्यूब, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3b का होल क्यूब माइनस, यहां पर बेटा होना चाहिए 3x स्क्वायर, और x की जगह पर यहां पर क्या है बेटा 4a का स्क्वायर, और b की जगह पर यहां पर क्या है जरा देख लीजिए 3b। अब आप देख भी सकते हो 3 3 जा 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, 9 16 जा बेटा कितना होता है ये रहा 144। ठीक है, प्लस 3 यहां पर बेटा होना चाहिए ये वाली टर्म 3x, और x की जगह पर बेटा यहां पे क्या है 4a, और y की जगह पर क्या है 3b का स्क्वायर। अब बेटा ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, इधर देखिए x माइनस वाई के होल क्यूब की, विच इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब, आप इसको क्या कर दीजिए
थ्री टाइम्स लिख दीजिए, वही इसके फैक्टर्स हैं। ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। लास्ट बचा है बेटा, वो भी करा देता हूं। लास्ट बताइए जरा, फिफ्थ पार्ट, पी टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन माइनस पी का स्क्वायर प्लस वन बाय फोर पी, यही है बेटा। ऑब्वियसली बीच बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहां पर भी x माइनस वाई के होल क्यूब की ही आइडेंटिटी यूज होगी। इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी तरह x क्यूब और y क्यूब, यहां पर भी बेटा होल क्यूब होना चाहिए। ये किसका है बेटा, सिक्स का होल क्यूब है। क्यूब्स आपको बताया बेटा टेन तक एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, कम से कम, उससे ज्यादा ही होने चाहिए। बीच वाली बेटा ये जो टर्म है वो है थ्री एक्स का स्क्वायर और फिर क्या है बेटा वाई, और वाई क्या है बेटा वन ओवर सिक्स, फिर क्या आएगा प्लस, यहां पर भी क्या होना चाहिए थ्री एक्स और एक्स की जगह पर यहां पर क्या है थ्री पी, और वाई की जगह पर क्या है वन ओवर सिक्स का स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, देखो थ्री को इससे कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा टू, और थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, तो ऊपर देखो नाइन ओवर टू ही दिया हुआ है, और ये कट गया। यहां पर देखिए स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, थ्री से कैंसिल आउट करोगे 12, और इससे कैंसिल आउट करोगे तो अगेन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी बेटा, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब की। इसको बेटा थ्री टाइम्स लिख दीजिए, थ्री पी माइनस वन ओवर सिक्स, थ्री पी माइनस वन ओवर सिक्स एंड थ्री पी माइनस सिक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, आपको x और y हर जगह नहीं मिलेगा, कभी p मिलेगा, कभी t मिलेगा, कभी a मिलेगा, कभी x मिलेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे, किस तरीके से यूज करनी है वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।